वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे हिंदी का फुल टेस्ट, जो कि तीसरा है और नंबरिंग के हिसाब से आपका थंबनेल पे दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना टेस्ट बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मैं ज़्यादा बात किए बगैर अपना टेस्ट स्टार्ट करूँगी। बस एक ही बात कहूँगी, प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक हम लोग आएगी तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं तो बहुत कम फीडबैक आ रहा है, बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है। तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो अंगुली तत्सम है, इंधन तत्सम है, आशा तत्सम है, गाय तत्सम नहीं है। गाय का होता है गो तत्सम, और उंगुली का अंगुली होता है छोटा की मात्रा, और ईंधन का ईंधन होता है, और आशा का आशा होता है, आस का आशा होता है। पाँचों पांडव कुंती के पुत्र थे, इस वाक्य में पाँचों क्या है? तो पाँचों जो है वो है समुदायवाचक विशेषण। तो समुदायवाचक विशेषण की विशेषता ये होती है कि इकट्ठे वो समूह और समुदाय को बोध करते हैं, जैसे दो तीन पाँच, तीनों दोनों, पाँचों दसों आठों सभी, सबके सब। तीसरा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि युग्म है? तो कौन सा युग्म है? विशेष, आशोष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता। तो वक्र का ऋजु ये होगा विलोम। तो ऋतु का वक्र होता है, ऋजु का वक्र होता है, युष्टा का मैत्री होता है, विशेष का सामान्य होता है, आपत्ति का सम्मति होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है, विपदा का संपदा होता है, स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है, स्वाधीनता का पराधीनता होता है। स्तब्ध के लिए सही प्रयोग अस्तब्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? अनास्तब्ध या प्रारब्ध? तो ये अस्तब्ध ये होता है, अस्तब्ध। ठीक है, लब्ध का होता है प्रदत्त, प्रारब्ध का होता है इच्छा शक्ति, प्रारब्ध का अर्थ होता है आरंभ किया हुआ या भाग्य अथवा तकदीर। अस्तब्ध का होता है, अस्तब्ध का आशय होता है शून्य या निश्चेष्ट। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो शब्द कौन सा है? तो वह है हुतभुक। हुतभुक ऐसे लिखा जाता है, देख सकते हैं। तो उद्घाटन को ऐसे, उद्घाटन ये होता है, और उद्घाटन ऐसे नहीं लिखते हैं, उद्घाटन ऐसे लिखते हैं। वाङ्मय का वाङ्मय होता है, और सद्बुद्धि का सद्बुद्धि होता है, जिह्वा का जिह्वा होता है, अकस्मात का इसमें ऐसे हलंत लगता है अकस्मात, और पश्चात का पश्चात, पृथक का पृथक देख सकते हैं, और महान का महान लिखते हैं, इसमें हलंत नहीं लगता है, और ऋद्ध का इसमें लगता है सम्मकल सम्यक में अर्थात परिषद, भगवान, मूल्यवान, विराट, सम्राट और विधिवत। छठवा, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? इसमें दूसरा नहीं है, जो इंद्रियों पर किया जाने वाला वश हो इसे इंद्रियजीत नहीं बोलते हैं, जो आलोचना की योग्य उसे आलोच्य बोलते हैं, सही है। कांटों से भरा हुआ कंटका केड़ ये भी सही है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त ये भी सही है। तो इंद्रियों पर किए जाने वश बोलते हैं इंद्रिया निग्रह कहलाता है, जबकि इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रियजीत कहलाता है। सत्वा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शब्द विशेष है? तो प्रवंचन, पौष्टिक, उतावला, चश्मदीद। तो इसमें प्रवंचना जो है ये विशेष है, पौष्टिक उतावला चश्मदीद विशेषक हैं, और पौष्टिक आहार उतावला व्यक्ति चश्मदीद गवाह, ये सब क्या है? तो विशेष है प्रवंचन, प्रवंचना और प्रवंचित होता है इसका विशेषण, और प्रमाण का होता है प्रमाणित, प्रणाम का प्रणाम्य, प्रभाव का प्रभावित, प्रदेश का प्रादेशिक, प्रदान का प्रदत्त, प्रथम का प्राथमिक, और प्रतीक्षा का प्रतीक्षित, और प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित, और विरोध का विरुद्ध, और तरीरा का विरही, वियोग का वियोगी, विमान का वैमानिक। अठवा, निम्नलिखित में विशेष विशेषण की बात करें तो उत्कृष्ट का उत्कर्ष, ऐतिहासिक का इतिहास, अनुशासित का अनुशासक, ये होगा ये नहीं होगा, अनुशासित का अनुशासक नहीं होगा, अनुशासित का अनुशासन होता है, अनुशासक नहीं अनुशासन होता है। ठीक है, तो अनुशासन का अनुशासित होता है, और अनुशंसा का अनुशंसित होता है, और अनुवाद का अनुदित अनुवादित होता है, अनुराग का अनुरागी होता है, अनुरक्ति का अनुरक्त होता है, अनुमोदन का अनुमोदित होता है, अनुमान का अनुमानित होता है, अनुभूत का अनुभूत होता है, अनुभव का होता है अनुभवी, अनुपात का अनुपातिक, अनुक्रम का अनुक्रमिक। क्वेश्चन है, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता का प्रयोग होता है, तो वो होता है इच्छुक, इच्छुक बोलते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाले को इच्छाधारी बोलते हैं, जिसकी इच्छा या इच्छा की गई उसे इप्सित बोलते हैं, जो अपनी इच्छा पर निर्भर उसे अच्छी बोलते हैं, भोजन की इच्छा करने वाले को जी घत्सु बोलते हैं,
और भूतों पर भी, तो भूतों का ईश्वर को भूतेश बोलते हैं। भूत भविष्य एवं वर्तमान को देखने वाले को त्रिकालदर्शी बोलते हैं। भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक होता है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार भूगर्भवेत्ता होता है। भूख से व्याकुल क्षुधाधर क्षुधातुर होता है। और भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख दार्शनिक विचार को बोलते हैं खट दर्शन। और भले बुरे की पहचान करने वाले का विवेक बोलते हैं। और भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ हरिपुष्ट होता है। भला या हित चाहने वाला हितैषी होता है। 10वां है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि सही युग्म है, तो वह तीसरा असूया का अनुसूया होता है। तो अधिष्ठित प्रतिष्ठित गलत है। अधिष्ठित का अनधिष्ठ होता है। आस्था का अनास्था होता है। और प्रमुख का विमुख होता है। आस्था का विश्वास होगा, प्रमुख का विमुख, और प्रमुख का गौड़ होगा, प्रमुख का विमुख नहीं गौड़ होगा। और उन्मुख का विमुख होगा, और सम्मुख का नेपथ्य होगा, असूया का अनुसूया होगा। अनुसूया का अर्थ होता है ईर्ष्या या देश से रहित। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तो इसमें युवा, अमी, अहेर, आंचल। तो युवा तद्भव नहीं है। युवा जो है तत्सम में इसका होता है जवान। और अमृत का अमी होता है, अहेर का आखेट होता है, आंचल का अंचल होता है, तत्सम अंचल होता है आंचल का, ठीक है। और छात्रावास में बहुत से छात्र थे, इस वाक्य में विश्लेषण की दृष्टि से एक शब्द कौन सा होगा? तो होगा अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि छात्र इसमें बहुत सारे छात्र थे, ये कोई निश्चित नहीं है। जिसे विशेष, तो अनिश्चित की डिफिनेशन क्या है विशेषण की? जिस विशेषण से किसी संख्या का कोई निश्चित परिमाण ज्ञात ना हो उसे अनिश्चित विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अनेक, कुछ, जरा सा। तरह है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो वह है कुमुदनी। कुमुदनी तो अंजलि ऐसे नहीं लिखा जाता है, अंजलि ऐसे लिखा जाता है, वासुकी ऐसे और कालिदास ऐसे। ई ई शब्द लगाकर अशुद्धियाँ तो मतलब कैसी होती हैं ये देख लीजिए। तो तिथि को, या देखिए छोटी की मात्रा है, दीवार को, इससे भी, और बीमारी को बड़ी की मात्रा, श्रीमती, श्रीमती क्योंकि ऐसे लिखा जाता, कवित्री ऐसे लिखा, दिवाली ऐसे लिखी जाती है, दोनों बड़ी की मात्रा होती है। ये अशुद्ध वाक्य होता है, बहुत जगह ऐसे ही लिखा रहता है, दीवाली ऐसे लिखा जाता है। अतिथि दीपावली, और पत्नी मुनि, परीक्षा चैता, उन्नति कोटि कालिदास, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन विलोम की दृष्टि से गलत युग्म है? तो गलत युग्म कौन सा है इसमें से? अग्रह, विग्रह, आवर्तक, प्रवर्तक, विसर्जन, आह्वान। तो इसमें जो उत्कर्ष का उत्कर्ष, विसर्जन का आह्वान, तो एक मिनट, इसमें जो होगा ये, अच्छा कौन सा सही सम्मिलित मतलब गलत है? तो आग्रह विग्रह ये गलत है, आग्रह का दुराग्रह होता है। बाकी उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, विसर्जन का आमन होता है, आवर्तन का अनावर्तन होता है। 15 निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची पतंग नहीं है, पर्यायवाची पतंग का नहीं है इसमें से, तो वह है तितली। पक्षी सूर्य नौका ये होते हैं, तितली नहीं होती है। पतंग के पर्यायवाची हैं पक्षी, सूर्य नौका का पर्यायवाची शब्द है। पक्षी का होता है द्विक, शकुनी, पतंग, अंडर शकुनी, चिड़िया, विहंगम, विहग, खग, नवचर, खेचर, पंछी, पखेरु, परिंदा। नौका का नाव, तारड़ी, जलायान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, तरी, पतंग। नाव का होता है नौका, तरड़ी, जलयान, तरी, डोंगा, पाव, तो पतंग नया। पतंग के अनेकार्थी शब्द होते हैं सूर्य, पक्षी, चिट्ठी, पतंगा, नौका और गुड्डी, ठीक है। 16वां, समानार्थी शब्दों की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डी सुमेर, इसमें जो है रामरस, दाड़िम, सुखोदन ये सम्मिलित नहीं है। कोकिला, श्यामा, मदन, कताला, कोयला के, गोदा, अंक, कौड़, अंकवार, ये सब सही हैं। तो रामरस नमक का पर्यायवाची, जबकि अनार का पर्यायवाची राम बीज का एवं सुखोदन है। यहाँ पर देखें कोयल का कोकिला, कोकिल, कोकिला, परभृत, परभृतिका, पाली, काकपाली, वनप्रिया, मदन सलाका, कालकोश, वसंत दूत, काक पीक और कहुकनी, सारंग, कलापी, श्यामक, कलकंठ है, सारिका है। और पत्थर का प्रस्तर, पाषाण, शिला, शैल, पहान, उपल, तत्पल, अंश, अश्म, संग, ग्रावा है। नमक का है रामरस, छाड़, लवण और लोन है। और अनार का है सुखप्रिया, राम बीज, ताड़िम। दक्षिण और पश्चिम दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नैऋत्य, नैऋत्य कहते हैं दक्षिण पश्चिम को। और देखिए पूरब और उत्तर के बीच के ये ऐसे बनाते हैं ना, तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो इसमें बोलते हैं ईशान, पूरब, उत्तर के बीच के को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूरब और उत्तर के बीच। तो ये हो गया ईस्ट और ये उत्तर, तो यहाँ इसको बोलते हैं ईशान, ईशान बोलते हैं इसको, सॉरी बड़ा सा है ईशान। और
वायव्य बोलते हैं पश्चिम, और उत्तर की दिशा को इसको बोलते हैं वायम, वायम, और इसको दक्षिण व पश्चिम के बीच की दिशा को बोलते हैं नैऋत्य, नैऋत्य इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं आग्नेय बोलते हैं, आग्नेय। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ऊँट की पीठ पर सवारी करने वाले, बोझ ढोने के लिए पहनाई जाने वाली, जीन के लिए शुद्ध शब्द क्या है, तो उसको बोलते हैं कजावा। ठीक है, घोड़े की पीठ पर रखने वाले गद्दी या गुड़सूत्र जिसमें पुश्तैनी गुड़ समाहित होते हैं, उसको बोलते हैं जीन। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को कहते हैं काठी। और गाड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है लोहे के जाल का बना कवच जो युद्ध के समय पहनते हैं, उसे बख्तर बोलते हैं। 19वां है विशेषण, विशेष्य की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, तो वह है शैव शिव शुद्ध है। तो अपेक्षित का उपेक्षा होता है, अपेक्षित ये अपेक्षित होता है, उपेक्षित नहीं होता है, और उपेक्षित का अपेक्षा होता है उपेक्षा, और जोशीला का जोश होता है, गृहस्थ का गृहस्थ होता है। सुंदर और उत्कृष्ट व्यक्ति उचित एवं संयमित भोजन करता है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो इसमें 4 हैं। तो उपर्युक्त में जो जो विशेषण हैं सुंदर उत्कृष्ट उचित संयमित, ये विशेषण 4 हैं, और व्यक्ति और भोजन विशेष 2 हैं। चाटना का चटोर होता है, चाचा का चचेरा होता है, चश्मे का चश्मदीद होता है, हिलना का चलना का चालू होता है, और तंबूल का तंबुली तंबोली होता है, तंत्र का तंत्रिल होता है, तंदूर का तंदूरी, तंत्र का तंत्रिका, तंगी का तंग, ढोलक का ढोलकिया, ढोंग का ढोंगी, ढील का ढीला, ढाल का ढलवा। तत्सम तद्भव की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें नींबू निम्ब ये गलत है, बाकी आप आत्मा दुल्हा दुर्लभ और पक्षी पंछी सही है। नींबू का तत्सम निम्बक होता है, जबकि नीम का तत्सम निम्ब होता है। तो यहाँ पर है बैल का होता है वृषभ, बेर का बद्री, बेदना का बेदन, बेटा का वस, बेईमानी का अनार्चव, बेंत का बेतस, बुड़ना डूबना का बुड़न, और बूटी का वृतिका, और बूझना का बुद्धते, और बूंद का बिंदु। क्यों का तत्सम क्या है, तो क्यों का किम पुनः होता है, क्यों का तत्सम किम पुनः होता है, कष्ट का किसका तत्सम होता है, किम का क्या क्या तत्सम है, क्यों का की पुनः है, क्यारी का केदारिका है, क्या का किम है, कौवा का काक है, कंवर का कवल है, और कौन का क पुनः है, कौड़ी का कपर्दिका है। निम्नलिखित में से बिलोंग की दृष्टि गलत युग्म कौन सा है, तो ससंक आशंक है ये गलत युग्म, और बाकी विस्थापन का प्रतिस्थापन है, अटल का ढुलमुल है, अतिक्रमण का नतिक्रमण है, पलायन का स्थापन है, ससंक का निस्संक है, जिसका त्याग ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपरिहार्य, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो। अंतिम संस्कार की क्रिया अंत्येष्टि होती है, और अंश या नाश करने वाला अंतक होता है, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होता है, अंक में सोने वाला अंकशायी होता है, अंधेरी रातों का पाल वाला पखवारा कृष्णपक्ष होता है, अंतिम वर्ण से जो जन्मा हुआ अंत्यज होता है, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन हौदा होता है, सवाल जवाब बहुत हुज्जत दिए गए उत्तर पर प्रत्युत्तर होता है, जो नया आया उसे नागवांगतुक कहते हैं, जो नव में चढ़ता हो उसे खेचर कहते हैं, जो ना ले जाना गया हो अज्ञात होता है, जो ना आया हो अनागत होता है, जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक होता है, जो धरती फोड़कर जमता है उसे उद्बीज कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, तो वह है दीप हाथी ये सब नहीं है, योग क्षेम ये है, तो कल्याण मंडप हित भलाई शुभ क्षेम समानार्थी शब्द है। एक मिनट, हाथी का होता है हस्ती गज करी करिश कुंजर गायंत सिदूर कलप कुंती दंती और अनेकप इब स्तंभेर द्वीरग और नाग दीप तुंडाल वारण बतुंग सुंदर वज्रदंती मदकल हरि सारंग। शंकर का होता है ललाटाच गंगाधर यचंत समचंद्रशेखर गिरीश और श्रीकंठ होता है व्यमकेश होता है वामदेव भूतेश पशुपति रुद्र महारुद्र आशुतोष उमापति समान उमानाथ उमाकांत उमेश मृत्युंजय विष्कंठ विश्वायी नटराज नंदीश्वर कपालिक दिगंबर सिद्धिकंठ विरूपाच कामरी गरधर बिनाकी सर्व सव सतीश इंदुशेखर इंद्र इंदुभूषण कामेश्वर केदारनाथ कैलाशनाथ। खोज का होता है अन्वेषण गवेषण शोध अन्वीक्षण और तलाश होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य है पिताजी यावत जीवन प्रयागराज में ही रहें, ये शुद्ध है, बाकी जो शुद्ध नहीं देख सकते हैं। सभा में बहुत से सग यहाँ पर है, गुड़ीगढ़ है, तो ये होता है गुड़ीगढ़ ऐसे लिखा जाता है, और इसमें सुबोध पूर्ण नहीं होगा, सुबोध होगा केवल, और इसमें पौरुष्य नहीं पौरुष होगा कि राम ने अपना पौरुष्य प्रमाणित किया। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है,
तो शुद्ध है जो है वो डी है सोचनी, बाकी अतिशयोक्ति ये गलत लिखा है, पुरुषललायित। तो देख लीजिए अतिशयोक्ति की वो अतिशयोक्ति लिखा गया है, अतिशयोक्ति धसा नहीं रहता है, फुर्सत का फुर्सत होता है, ललायत का ललायित होता है और बढ़ा चढ़ा कर होता है अतिशयोक्ति। पर्यायवाची की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो वह है रक्त तुंड तोता को बोलते हैं, रक्त तुंड तोता का, जबकि रक्त लोचन ये कबूतर का पर्यायवाची, अचल पर्वत का है जबकि अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है, परावत कबूतर का है जबकि परावर समुद्र का पर्यायवाची, मधुरी भी जो है बिछड़ू का जबकि पाकरी को जो है इंद्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है इसमें, तो इसमें संदिग्ध विशेषण है, संदिग्ध का संदेह होगा, स्मृत का स्मृति होगा, स्वस्थ का स्वास्थ्य होगा, स्वाभाविक का स्वभाव होगा विशेष, और द्विरेख का पर्यायवाची क्या होगा, तो द्विरेख का होगा भ्रमर, द्विरेख का क्या होगा भ्रमर होगा। तो खटपद द्विरेख अली मधु मधुराज मधुभच्छा मधुकर मधुव्रत मधुलोभी भ्रमर मृंच चचरिक तिलुभुक मिलिंद पारिंद और सारंग ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं भंवरा के, छिपकली गोविधा विशुतुलिका और गाड़ी माड़िक के होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, तो उसमें जिसे बुलाया न गए हो उसे, जिसे बुलाया न गए उसे अनाहुत तो बोलते हैं, और हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं, उसको समिधा बोलते हैं, और जिसके पास कुछ ना उसे अभावग्रस्त नहीं बोलते, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं, जिसके पास कुछ ना हो उसे आकाश दीक्षा दिखाते हैं, और जो ऐसी ऐसी जीविका जिससे कुछ ठीक ठिकाना ना हुआ तो ऐसे आकाश वृत्ति बोलते हैं, सही है, जिसके पास कुछ ना उसे अकिंचन बोलते हैं। अकिंचना शब्द है पर्यायवाची किसका, तो है लक्ष्मी जी का, अकिंचना लक्ष्मी जी का, जबकि अकिंचन गरीब का पर्यायवाची है। गरीब के अन्य पर्यायवाची निर्धन दरिद्र कंगाल दीन, और लक्ष्मी के पर्यायवाची पद्मा श्री रमा कमला सिंधु सुता तनया भार्गवी चंचला श्रीरोद इंद्रा समुद्रजा लोकमाता पदजा सिंधुजा चिरोद धीच नया और विष्णु वल्लभ और चिरोद्र और हरिप्रिया पद्यासन। तद्भव तत्सम की दृष्टि सही युग्म है, तो वह है अंजूरी अंजलि, इमली का इमलिका, अनूठा का अनुष्ठ, अंगूठा का अंगूठ ओस का अवश्याय। चतुष्क का तद्भव होता है, चतुष्क का चौक होता है, चतुष्क का चौक होता है, चार का तत्सम चत्वरिक होता है, चौखट का तत्सम चतुष्काट होता है, चतुराई का तत्सम चतुर्थ होता है, चौरी का चौरी होता है, चोर का चौर होता है, चोंच का चंचू होता है, चोंच का चंचू होता है, चैत का चैत्र होता है, चूल्हा का चूल्लिका होता है, चूरन का चूड़ा होता है, चूमना का चुंबन होता है, चूमना का चूड़ा होता है, चिल्लू का चुल्लुका होता है, चुनना का चुनौती होता है, चीता का चित्रक होता है, चितेरा का चित्रकार और चित का चित्त होता है, चिड़िया का चटका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शुद्ध है, तो इसमें जो शुद्ध है वह है तीसरा, जो धन का लालची उसे संत नहीं है। तो अनुचित शब्द को हटाकर देखेंगे पत्र किसके नाम लिखा गया, तो इसके पत्र किसके नाम पर लिखा गया, तो पर यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, और जो दूसरा इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है, तो इसमें प्राणी मात्र का कल्याण इतना, गार्गी ने मैत्री की बात पर आपत्ति की, तो इसमें लिखा है गार्गी मैत्री की बात पर आपत्ति, तो पर आपत्ति प्रकट की, तो प्रकट करनी नहीं आपत्ति की, यही बात प्रकट कर रहा है। इनमें शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसमें है उच्च श्रवा, तो मनोकामना को मनह कामना लिखते हैं, और वक्तागढ़ को वक्तृगढ़ बोलते हैं, अधोपतन को अधपतन बोलते हैं, और है प्रद्योतन का पर्यायवाची शब्द है, तो उसका पर्यायवाची सूर्य का प्रद्योतन, तो यहाँ सूर्य के पर्यायवाची हैं, तो इसमें दिनेश सविता तरुण और मार्तंड दिन दिन दिनकर दिवाकर प्रभाकर भानु दिन मणि सहस्त्रांधु अर्क आक पतंग सविता अंशुमाली अंशुमान आदित्य भास्कर चित्रभानु अर्यमा और अहस्कर और कमल बंधु भूषण धूमत मित्र अरुण प्रद्योतन तेजो राजी महेश महातेज छायानाथ तामारी तरड़ी और हंस मरीची है। चंद्रमा का चांद चंद्र हिमकर विभाकर सुधाकर सारंग शशि तरापति रजनीश अंशुमाली मयंक इंदु निशाकर तारकेश विधु सोम सुधांशु कलानिधि मृगांक शशांक राजनी रजनीपति रजनीकर ऋषापति शशि औषधीश सीमांशु राकेश रकापति द्विराज छपाकर नचत्रेश जुनहैया निषादनाथ और सुधांशु विधु मतलब बहुत सारे हैं। कामदेव के अनंग करदम मदम उन्मन उदय मार नतिपति मनोभव मयन मनसी ये सब हैं, और किरण के हैं रश्मि मकर मरीची मयूक अंशु ददीची वसु दीप्ति आदि। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कुसुम का वज्र आतप का छाया नृत का नृत धरंस का त्रास, तो इसमें कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 4 तीसरा नृत का नृत गलत है, तो कुसुम का वज्र हो जाएगा,
और प्रगति का प्रतिगमन होगा, सुर का भीरू होगा, आतप का छाया होगा, रित का अनिरित होगा, जितेंद्री का इंद्रियासक्त होगा, ढांढस का त्रास होगा। इनमें से कौन शब्द विशेष्य नहीं है? स्वप्न क्षोभ रौद्र चुनाव, तो इसमें रौद्र ये विशेष्य नहीं है। स्वप्निल स्वप्न का होता है, क्षुब्ध का क्षोभ होता है, रौद्र का रुद्र होता है, चुनिंदा का चुनाव होता है। 40 चक्रधर शब्द के लिए सही वाक्य क्या है? तो इसके लिए जो चक्र को धारण करता हो, जिसके हाथ में चक्र उसे चक्रपाणि बोलते हैं, जिसके सिर पर चंद्रमा चंद्रशेखर होता है, जिसके चूड़ा में चंद्रमा और चंद्रचूड़ बोलते हैं, जिसके हाथ में कोई कामना निरुद्यम बोलते हैं, जिसके सिर पर बाल न हो गंजा खलवाट हो, जिसके सिर पर चंद्रमा और चंद्रशेखर हो, जिसका मन संदेह हो संदिग्ध होता है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय होता है, जिसका मान कोई अन्य ना हो अनन्य होता है, जिसके सब अंग दुरुस्त ना हो उसे अपांग अपंग बोलते हैं, जिसके विषय में मतभेद ना हो निर्व्याद होता है, जिसके लिए दंड दिया जा सके या दंडित किया जाना चाहिए दंडनीय होते हैं, जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो छबरा होता है, जिसके मन में दया ना हो निर्दयी होता है, जिसके मन में ईर्ष्या ना हो निर्मत्सर होता है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी उसे दामोदर बोलते हैं, जिसके पेट में बच्चा हो गर्भवती होता है। वन में लगने वाली आग के लिए वाक्यांश शब्द क्या है? तो उसको बोलते हैं दवाग्नि। तो दवानल वन में लगने वाली आग को बोलते हैं, बड़वाग्नि बोलते हैं समुद्र पर लगने वाली आग को, जठराग्नि पेट की आग को, विरहाग्नि विरह की आग को, कामानल बोलते हैं वासना की आग को, हृदयाग्नि बोलते हैं हृदय की आग को। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, ये शुद्ध है। और उसमें पहला गलत, प्रत्येक छात्र को 2-2 रुपये मिले, तो प्रत्येक छात्र को 2 रुपये मिले। 2-2 मील पर एक धर्मशाला है, तो 2-2 मील पर एक धर्मशाला था, एक एक नहीं एक था। मैंने पिताजी से बताया कि मैं कल आऊँगा, तो इसका होगा मैंने पिताजी को बताया कि मैं कल नहीं आऊँगा। निम्नलिखित में से एक शब्द सुंदरी का पर्यायवाची नहीं है, चरुता सुदर्शना परमदा सुषमा, तो चरुता चारुता नहीं है, चारुता जो सुंदरता का पर्यायवाची है, सुंदरता का पर्यायवाची है कांति सौंदर्य शोभा लावण्य कमनीयता चारुता रमणीयता छठी छठा सौम्यता सुषमा। और सुंदरी का होता है सुदर्शना विलासिनी ललिता छबीली रूपराशि कामिनी रूपसी सुषमा प्रमदा। और सहोलिस्वा सहयोगी का सही विलोम क्या है? सहयोगी का होता है प्रतियोगी, आर्ष का होता है अनार्ष, उज्ज्वल का धूमिल, गहन का पुलीन, खंडन का मंडन, सहयोगी का प्रतियोगी, अनुयायी का विरोधी, प्रतिद्वंदी का समर्थक। 35वां निम्नलिखित में तत्सम तद्भव कौन सा युग्म शुद्ध है? तो उष्ट का उष्ट होता है, गीत का गीत होता है, गो का गाय होता है, टिटिभी के टिटहरी होता है, तो गृद का गीत होता है, गिनना का गणना होता है, गिद्ध का गृद्ध होता है, गाह का ग्राहक होता है, गाय का गौ होता है, गाभिनी का गर्भिणी होता है, गाड़ी का गार्थ होता है, कौवा का काक होता है, कोहनी का कपोड़ी होता है, कोस का क्रोश होता है, कोयल का कोकिला होता है, कोना का कोड़ होता है, कोदो का कुद्रा होता है, कोड़ी का कुष्ठी होता है, कोड़ का कुष्ठ होता है, कोड़ी का कोष्ठिका होता है, कोठी का कोष्ठिका। ईट का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो ईट का होता है इशिका। ईट का तत्सम शब्द इशिका है। उड़ का उड्ड होता है, उठान का उत्थान होता है, उठ का उत्तिष्ठ होता है, उज्ज्वला का उज्ज्वल होता है, उज्जत का उज्जय होता है, उछाल का उत्साह होता है, उघाड़ना का उद्घाटन होता है, उगलना का उद्गलन होता है, उगना का उद्दत्त होता है, उंगली का उंगुलिका होता है, ईर्ष्या का ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या का ईर्ष्या होता है, ईख का इशू, ईंधन का ईंधन, और ईंट का इशिका, स्थिका का स्थिति, काढ़ा का क्वाथ और काठ का काष्ठ होता है। 47 है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध है बाग में विविध रंगों के फूल थे, ये शुद्ध है। अन्य सभी विकल्प में व्यंजन संबंधी शुद्धियाँ, जैसे ध्यानचंद रोड लिखा है यहाँ पर, रोड होगा वो, और सीधा सादा होता है, साधा नहीं होता है, और किस वंशी बजाते हैं लिखा है, तो वंशी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें तद्भव है जड़, तो जड़ का तद्भव जटा होता है, और जत्था का तत्सम होता है यूथ, और छिलका का होता है सकल, और ताव का तत्सम होता है ताप। तद्भव तत्सम की दृष्टि शुद्ध युग्म कौन सा है? तो इसमें महूक महुआ, ये शुद्ध युग्म है। तो इसमें मिठाई का मिष्ठान होता है, महुआ का तत्सम होता है मधुक, ताकि महुआ महूक नहीं होता। मिट्टी का मृतिका होता है, मारक का मार्ग होता है, माया का मातुल होता है, मानुषी का मनुष्य होता है, मानुष का मनुष्य होता है, माना का मान्य होता है, मानाना का मानन होता है, माथा का मस्तक होता है, माँ का मातृ होता है। निम्नलिखित विलोम में अशुद्ध शब्द कौन सा है? सात्विक राजसी भूगोल खगोल कृषि पृष्ठ, तो इसमें पहला अशुद्ध वाक्य है सात्विक का राजसिक नहीं होगा, सात्विक का तामसिक होगा, ठीक है। और संपत्ति का विपत्ति होगा, समृद्धि का विनाश होगा, समूल का निर्मूल होगा, संपयुक्त का अनुपयुक्त होगा, समीपस्थिति का दूरस्थिति होगा, समीपवर्ती का दूरवर्ती होता है,
और समीपता का दूरी होता है, समीप का दूर होता है, समीचीन का असीमीचीन होता है, समास का व्यास होता है, समावेशन का समावेशन, समाप्त का समाप्त होता है। निम्नलिखित में से अमर्स का विलोम है, तो अमर्स का विलोम होगा अव्यग्रता। अमर्स का अव्यग्रता होता है, अदिति का तुल्य होता है, अधःपतन का उत्थान होता है, सदा अमर्स का संयंत्र होता है, प्रशांत का उद्गीन होता है और निश्चिन्न का उद्भ्रांत होता है। कान का भूषण वाक्य के लिए एक शब्द है, तो उसका है कर्णाभरण। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली होता है, जो किए जाने का या करने योग्य उसे कर्णी बोलते हैं। कही गई बात को बार बार दोहराना विश्लेषक या पुनरिक्त होता है। कलावंत या मृदु स्वभाव वाले नायक होते हैं, धीर ललित। और कर्मचारी आदि को छाटकर निकाल देने का काम होता है, छटनी। कर्म में बाधा डालने वाले को कर्मोपघात बोलते हैं। कर चुकाने के लिए जाने वाले कर्ज को ऋणार्थ बोलते हैं। करुण स्वर में चिल्लाना चित्कार होता है। कमल जैसे नैनों वाली नायिका को अयत लोचना बोलते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो एक जगह दूसरी जगह न लिया जा सके, उसे स्थावर बोलते हैं। ठीक है, जंगम जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, उसे जंगम बोलते हैं। पार्थिव पृथ्वी से संबंध होता है। उपत्यका पर्वत के आसपास की भूमि के नीचे तलहटी, एक मिनट, तलहटी को बोलते हैं। और पृथ्वी और सूर्यादि लोकों को ग्रहों के मध्य को अंतरिक्ष बोलते हैं। पूर्व में कही गई बात को दोहराना दुरुक्ति होता है। पूर्व जन्म किए गए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक होता है। पूर्व की बात को पुनः कहना पुनरुक्ति होता है। पूर्ण रूप से पका हुआ या पचा हुआ परिपक्व होता है, जी पूरे जीवन आजीवन होता है। और पूर्व और उत्तर के बीच की कोण को ईशान कोण बोलते हैं। पूजा यज्ञ की इच्छा रखने वाले को युष्मु बोलते हैं। पुस्तक या लेखन की हस्तलिखित प्रति को पांडुलिपि बोलते हैं। पुस्तक के अंत में जोड़ा गया वाक्य कुंडुक परिशिष्ट होता है। पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति को पांडुलिपि बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ वाक्य अशुद्ध है, तो वह है दीन दुखियों पर कृपा करनी चाहिए। अशुद्ध है क्योंकि इसको लिखते हैं दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, सर्वत दुरावस्था भरात बर्तन। तो दुरावस्था ये जो है अशुद्ध है, दुर्वस्था होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर अशुद्ध बारात को बारात लिखते हैं सब, संसार को संसार लिखते हैं, अभ्यार्थी को अभ्यार्थी, इस मात्रा कोई नहीं है, अत्यधिक को अत्यधिक होता है, अधीन में कोई मात्रा नहीं, कई बार क्वेश्चन आता है, इसको अधीन बोलते हैं। अनाधिकार को इसमें मात्रा नहीं है, अनधिकार है। अध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है। ढाकना नहीं होता, ढकना होता है। ठीक है, और दुरावस्था का दुर्वस्था होता है, दुरा नहीं होता है। इनमें से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कुल कंसा ये यमुना का नहीं, हंसुता अर्कसुता कालिंदी ये सब है। और ये निम्नगा नदी का, निम्नगा कुल कंसा सरिता सरी धनु अपगा सरित नोचगा और तटिनी प्रवाहिनी सरकरी निर्झरणी कुल कंसा जलमाला नंद तरंगड़ी और रजवती और स्रोतस्विनी और शैलावजिनी। दुरु दुकुल वह परिभाषित शब्द है, तो दुकुल का होता है कपड़ा। दुकुल कपड़ा का वस्त्र का पट वसन अंबर चीर परवाह दुकुल परिधान कपड़ा पोशाक लिबास वारसी वासों के चौल चैल सुलेचक सुलेलक करपट अच्छादन वास सारंग वार में सब होता है। खिड़की का गवार शरोका बारी यथावन दरीची होता है। चोर का धनक रजनीचर तस्कर मोचक और कुंभिल होता है। और चांद का तो बताया गया इसके पहले। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, तो लोझा भव्य लापता है, प्रशंसा नहीं है। प्रशंसा जो है विशेषण का, प्रशंसा का विशेषण प्रशंसनीय होता है। और भिक्र का भिक्रमंद होता है, फसाद का फसादी होता है, फसल का फसली होता है, फल का फलीक होता है, प्रौढ़ता का प्रौढ़ होता है, और प्रेषक का प्रेषित होता है, प्रेम का प्रेमी होता है, प्रार्थना का प्रार्थी होता है, प्राप्ति का प्राप्त होता है, प्रांत का प्रांति होता है, प्रातःकाल का प्रातःकालीन होता है, प्राण का प्राणद होता है, प्राचीनता हो प्राचीन होता है, प्राची का प्राची होता है, प्रास्तव का प्रस्तावित होता है, प्रसाद का प्रसन्न, प्रसव का प्रसूतता और प्रसंग का प्रासंगिक और प्रशंसा का प्रशंसनीय, प्रवेश का प्रविष्ट और प्रवास का प्रवासी। सभी जानवरों के लिए खरगोश के बाल सबसे कोमल होते हैं। इस वाक्य में सबसे कोमल तुलना विशेषण कौन सी अवस्था है, तो ये है उत्तमावस्था। कोमल खरगोश के बाल सबसे कोमल, सबसे आ गया ना, तो विशेषण की अवस्थाओं हैं डिग्री ऑफ द कंपैरिजन। इन जिन विशेषणों में द्वारा दो या दो से अधिक विशेषणों के अवगुण की तुलना की जाती है, उन्हें तुलनाबोधक विशेषण कहते हैं। तुलनाबोधक दृष्टि से इस प्रकार की विशेषता बताने वाले पदार्थों या व्यक्तियों में मात्र का अंतर होता है। जैसे मूलावस्था पॉजिटिव डिग्री और उत्तरावस्था कंपेरेटिव डिग्री और सुपर रिलेटिव डिग्री उत्तमावस्था का होता है। प्रिय का प्रियतर प्रियतम होता है, निम्न का निम्नतर निम्नतम होता है, निष्कृष्ट निष्कृतर निष्कृतम होता है, लघु का लघुतर
लघुतम होता है, उच्च का उच्चतर उच्चतम होता है, और अधिक का अधिकतर अधिकतम होता है, कोमल का कोमलतर कोमलतम होता है, सुंदर का सुंदरतर सुंदरतम होता है, महत का महत्तर महत्तम, मोटा अधिक मोटा सबसे अधिक मोटा, अच्छा अच्छा अधिक सबसे अच्छा सबसे, और अधिक अच्छा। मंडूक का पर्यायवाची नहीं है दादू दादू भेद वाही, तो वाही वारही नहीं है, वारही जो है मोर का पर्यायवाची होता है, मंडूक का नहीं होता है। मेढक जो होता है मंडूक दादुर वर्षावु भेक प्लव सातुर सालुका चातक वर्षा प्रिय होता है। मोर का कलापी केकी सिखी सिखंडी और वही कलाधर नीलकंठ कंठ कलंकंठ भुजंगपुट और सिखावल चंद्रिका मेघनंदी छतिपति और शिव सुतवाहन और ध्वजी सुरंग आज भुजधरी होता है। तो ये खत्म होता है आपका, कैसा लगा वीडियो बताइए जरूर, वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।